हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो जैसा कि फ्रेंड मैं अपनी वीडियो में पहले आपको बताया था कि जैसे इसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके आ जाएंगे, तो वैसे ही मैं आपको बता दूंगा कि एक एक्सपेक्टेड जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, सेफ स्कोर रहने वाला है एक लो पोस्ट के लिए 2018 के लिए, तो वो क्या रह सकता है और उससे रिलेटेड क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपकी हो सकती हैं। तो जो लोअर पोस्ट है, जो सबसे टैक्स असिस्टेंट की आपकी CBIC, जो पहले मतलब आपका CBEC था, वो CBIC अब हो गया है। तो उसमें जब 2016 की बात करें तो 513 नंबर पर ये मिली थी जनरल कैटेगरी की, और वहीं पे अगर 10 नंबर घटा लें तो 10 से 11 नंबर तो OBC का हो जाता है। तो वो आप आइडिया लगा लीजिए, मैं जनरल कैटेगरी का आपको एक आइडिया बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 का, इसमें आपके टोटल UR के लगभग 17,500 कैंडिडेट जो हैं वो पास आउट हुए हैं। 17,500 कैंडिडेट्स UR के पास हो गए। इसके अलावा ये जो कैंडिडेट नीचे लिखे हुए हैं 1320, 361, 8373, और तो ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मतलब 433 जो है वो आंकड़ा लिया है, और इनमें से आधे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मतलब 433 से मतलब जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। तो एक बार 2016 का भी देख लीजिए। 2016 में आपके 422 नंबर की कट ऑफ थी, 13,000 टोटल UR कैंडिडेट्स थे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करिएगा, दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। जैसे वैकेंसीज जो हैं वो आपकी इसमें लगभग 10,500 थी, तो इसमें आपकी टोटल 11,000 या 12 तो नहीं, 11,500 मैं मान लेता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड करवा देता हूँ। और एक और बात, जो CBIC की वैकेंसीज थी 2016 में वो 600 थी, अभी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 900 है। लेकिन मैं टोटल ओवरऑल वैकेंसीज की बात करता हूँ, तो 2018 में टोटल जो वैकेंसीज हैं वो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 5500 वैकेंसीज मैं मानता हूँ अभी। तो टोटल 5500 वैकेंसीज मैं मानता हूँ, ठीक है, टोटल 5500 या फिर जनरल कैटेगरी के मैं मान के चलता हूँ जनरल कैटेगरी की। अब इस 5500 वैकेंसीज में आपके 500 प्लस लेने वाले कैंडिडेट्स कितने होंगे, लगभग ज़्यादा नहीं होते यार, चाहे कोई कुछ भी बोले, 2000 कैंडिडेट्स हो गए। तो 2000 पोस्टें ऐसे निकल गई। उसके अलावा 450 से 500 के बीच में जो स्टूडेंट होंगे, ये लगभग आपके ज़्यादा तो नहीं पर 7000 से लगभग 8000 कैंडिडेट होंगे, ठीक है। और आपके 433 और 450 के बीच में आपके बाकी के जो कैंडिडेट 7000, ये लगभग आंकड़ा है। तो ये आंकड़ा लगभग अप्रोक्स इतना ही मान के चलिए आप। अब ये जो शुरू में आपके जो 500 प्लस के 2000 कैंडिडेट्स से सारी क्रीम पोस्ट आपके ले जाएंगे, इसके बाद बचती है आपकी 450 to 500 के बीच में जो आपके कैंडिडेट्स के मार्क होंगे, जो लगभग आपके 8000 कैंडिडेट्स, इतने तो मैं मान के चलता हूँ 8000 कैंडिडेट, यानी कि जो बाकी की आपकी 3500 पोस्ट बच गई, क्योंकि 2000 पोस्ट तो 500 प्लस ले गई और आपकी जनरल कैटेगरी की जो आपकी 3500 पोस्टें बच गई। अब यहाँ पे जो 3500 पोस्ट बच गई उसमें जो आपका आंकड़ा होगा वो यार इनके बिल्कुल मिडल में ही जाएगा ना, कि ऐसे कैंडिडेट जिनके 500 के आसपास मार्क्स हैं। तो मैं अगर ऑन एन एवरेज बिल्कुल लो पोस्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका इनका अगर मैं एवरेज की बात करूं, तो ये एवरेज आपका 4, तो जितना 500 के नज़दीक जाएगा, से मैं 460 की बात करता हूं, 470, ठीक है। और 470 में अगर आप 60 मार्क्स जोड़ो, अगर आपने डिस्क्रिप्टिव में 60 मार्क्स भी ले लिए, तो ये लगभग आपका कितना चला जाएगा, आपका 530। तो ये जो कट ऑफ रहने वाली है, ये आपका टैक्स असिस्टेंट इन CBDT, ठीक है, CBDT मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और यहीं पे अगर मैं आपकी CBIC की बात करूं, तो CBIC का जो है, तो CBIC में आपके लगभग इसमें से आपके 525,
तो ये 525 के आसपास आप CBIC का मान के चलो, टैक्स असिस्टेंट जनरल कैटेगरी। अगर मैं OBC कैटेगरी की बात करता हूँ तो OBC कैटेगरी के लगभग 513 से 515 के बीच में आपकी ये टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट जाने की है। यानी कि अगर आपके 433 मार्क्स भी आए हैं या 435, एंड इफ़ यू हैव स्कोर्ड इवन 70 मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, पाँच, तब भी आपके 505 नंबर बने, तो बहुत ही कम चांसेस हैं आपके आपको पोस्ट मिलने के। तो ये चीज़ मेन है, ठीक है। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा। मैंने आपको दोनों बता दिया, आपको CBDT का बता दिया और CBIC का बता दिया। इसके अलावा जो दूसरी पोस्टें हैं उनका आप एनालाइज करके देख लीजिएगा, जो 2016 के अकॉर्डिंग है, या आप कमेंट कर दीजिएगा उस पर, फिर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा एनालाइज करके। तो अभी के लिए जितना मैंने आपको बताया, CBDT के लिए 530 के आसपास जनरल कैटेगरी की, और CBIC की अगर मैं टैक्स असिस्टेंट की बात करूं तो ये लगभग आपकी 520 से या 525 तक आपको ये पोस्ट मिलने के आसार हैं। और इसके अलावा आपको, मतलब अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मैं बात करूँ दोनों फील्ड में, तो आप लगभग 20 से 22 नंबर इसमें ऐड कर लो, तो 20 से 22 नंबर ऐड करके लगभग आपके 550 से 550 550 टू 560 के बीच में आपको CBDT मिल जाएगा। और इसमें भी आप 22-25 मार्क्स ऐड करके इंस्पेक्टर पोस्ट जो है वो ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके साथ ही डिस्क्रिप्टिव में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, तभी आपको एक टैक्स असिस्टेंट की जो मिल पाएगी। तो उसके लिए मैंने बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपके लिए बनाया हुआ है। सिर्फ बहुत ही कम प्राइस है इस बुक का, 400 लेटर्स और ऐसे हैं। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी इसको परचेज़ कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, यकीन मानिए मैं ऐसे नहीं बोलता, बहुत अच्छा कंटेंट है। जितना कंटेंट मेरे को मिल सका मैंने सारा एक प्लेटफॉर्म पे आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। उनमें से आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड एग्जैक्टली राइट द सेम पैराग्राफ्स, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ द एस इज रिटन एंड हाउ द मेन पॉइंट्स एंड मेन लाइन्स दैट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू राइट इन द पेपर दैट पर्टिकुलर दैट लाइन्स, ठीक है, जो कि आपकी स्कोरिंग पार्ट होती है, एंड एग्जामिनर इज इम्प्रेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर कीवर्ड्स बाय पर्टिकुलर लाइन्स। सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अपने अपने मार्क्स कितने बने हैं, किसके डिक्रीज़ किसके कम हुए हैं, तो प्लीज़ बताना। और इससे पहले जो मैंने आपका एनालिसिस बताया था वो बिल्कुल करेक्ट हुआ था। मैंने कहा था कि बहुत से स्टूडेंट के मार्क्स डिक्रीज़ भी हुए हैं, 12 तारीख को भी बहुत कम मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, 13 को ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, और मैंने वो जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो मार्क्स नहीं जोड़े, सिर्फ नॉर्मलाइज मार्क्स करके मैंने आपको 15 टू 16 मार्क्स आपको बताए थे। तब तक के लिए धन्यवाद।